हाय गाइस सब्सक्राइब करें रश्मि रसमिजुल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम से क्रीमी आइसक्रीम और वो भी आरा रोट आटे से आप चाहे तो यहाँ पे आटे का घोल तैयार कर सकते हैं दो चम्मच आप चाहे तो यहाँ पे आरा रोट या मैदा कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उसको इस तरह से एक थोड़े से दूध के अंदर घोल करके रख लें और लगभग आधा लीटर दूध एक कढ़ाई के अंदर बॉयल होने के लिए रख दें तो आप देख सकते हो मैंने आरारोट को घोल लिया है यहाँ पे आप आटे का भी यूज कर सकते हो मेदे का भी यूज कर सकते हो बिल्कुल सेम ही प्रोसेस होगी और बहुत ही बढ़िया बनती है अब जैसे ही दूध गर्म हो जाता है आधा लीटर दूध इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं दो से चार मिनट के लिए थोड़ा गाढ़ा हो जाए उसके बाद में फ्लेवर के लिए आप वनीला एसेंस डाल सकते हो क्योंकि मेरे क्रीम के अंदर वनीला का फ्लेवर है इसलिए मैं यहाँ फ्लेवर नहीं इस्तेमाल कर रही हो शुगर ले लिया मैंने मीठे के अकॉर्डिंग यानी लगभग सौ से सवा सौ ग्राम मैंने यहाँ पे सुगर लिया है और जैसे ही दूध में दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो अब हम इसके अंदर धीरे धीरे करके जो आरा रोट हमने गोल करके तैयार किया है वो अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे और साथ में डाल देंगे जो शुगर हमने निकाल के रखी है वो शुगर भी डाल देंगे तो बस बहुत ही कम प्रोसेस होती है और बिल्कुल मार्केट के जैसे अपने बच्चों को हम घर पे खिला सकते हैं और कोई भी केमिकल नहीं मिलाना होगा आपको बिल्कुल भी किसी तरह की फूड कलर की आपको ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैंटेस्टिक और सॉफ़्ट आइसक्रीम तैयार होगी तो आप देख सकते हो बैटरी अच्छे से गाढ़ा हो गया है गाढ़ा होने के बाद में जब इसके अंदर बॉयल आ जाए तो दो एक से दो मिनट के लिए पका लें और फिर गैस का फ्लेम बंद करके चलाते हुए इसको ठंडा करें और ठंडा होने के बाद हम इसे किसी भी कंटेनर में या बाउल में निकाल लेंगे और उसके बाद उसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो आप देख सकते हो अच्छे से पक चुका है बस प्रोसेस है जो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता देती हूँ कि ये इस तरह की प्रोसेस होती है आटे की मैदे की या फिर आर रोट की नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके मैंने इसको बाउल में निकाल दिया और फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए दूसरी तरफ मैंने लिया है ये क्रीम एक कप क्रीम लेना है विप क्रीम और इसको अच्छे से विप करना है तो अब हम क्रीम को अच्छे से विप कर लेंगे दो मिनट के लिए क्रीम जब आपका थोड़ा सा अच्छे से विप हो जाए यानी थोड़ा डबल हो जाए ये क्वांटिटी में तब आपको इसके अंदर मिक्स कर लेना है आरा रोट का घोल तो ये मैं आरा मैंने जो आरा रोट फ्रिज के अंदर रखा था उसको भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है और अच्छे से फेंट लिया है तो लीजिए हमारे जो आइसक्रीम का बैटर है वो बिल्कुल से रेडी हो गया है इससे आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी जमेगी आप इसी तरह से बाउल को फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के बाद बाउल को निकालना है और इसको फिर से फेंटना है तो मैं उसी वीप मशीन से फिर से एक बार इसको अच्छे से मिक्स करूँगी थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा कर लिया है और अब अच्छे से विप करेंगे लगभग दो मिनट के लिए दो मिनट में ये एकदम से फ्लपी हो जाती है इस तरह से करने से क्या होता है जो हमने आटा मैदा या आला यूज किया है ना वो अच्छे से फ्लपी हो जाता है क्रीम के साथ में और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है तो इस तरह से आप घोल तैयार कर लें बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है तो अब हम जिस कंटेनर में आइसक्रीम चबाने वाले हैं उस कंटेनर में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो बस देख देखा आपने कितने सिंपल प्रोसेस है सबके पास में वनीला का फ्लेवर वाला कस्टर्ड हो या ना हो आटा मैदा या आरा रोट तो हर घर में मिल ही जाता है तो उसका यूज करके आप इस तरह की जो जैसे मार्केट में मिलती है ना सेम वैसी ही टेस्ट वाली घर पे बना सकते हैं और पूरे परिवार के लिए बहुत ही कम खर्चे में तो आप देख सकते हो हमारा बैटर बिल्कुल से रेडी हो चुका है एकदम से फ्लपी होकर के रेडी हो गया है तो अब मैंने लिया है एक कंटेनर बर्फी वाला और उसके अंदर मैं सारा बैटर जो है वो ट्रांसफ़र कर देती हूँ सारा बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद आप इसको कवर करें और फिर इसको रख दें फ्रिज में जमने के लिए ओवरनाइट के लिए तो इस तरह से किसी भी बटर पेपर या फोइल पेपर से आप इसको कवर करें और उसके बाद में फ्रिज में रख दें इससे आपके आइसक्रीम के अंदर आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे तो लगभग ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद हमारी आइसक्रीम बिल्कुल से रेडी है तो अब आप देख सकते हैं देखिए इसके ऊपर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं है जबकि डब्बे के ऊपर आपको आइस क्रिस्टल नज़र आएंगे तो इसीलिए इसको कवर करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है आप देख सकते हो ये देखिए ये आइस क्रिस्टल है ना इसके अंदर तो किसी भी कंटेनर में आप जमा रहे हो आइसक्रीम आप उसको कवर करके रखें अब हम इसको जो हमारी आइसक्रीम का स्पून होता है उससे हम इसको निकाल लेंगे बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट और एकदम से मुंह में घुलने वाली आइसक्रीम बन करके रेडी है तो ये मैंने स्पून लिया और ये मैंने प्लेट लिया है सर्व करने के लिए तो इसी तरह से हम सारी आइसक्रीम को निकालेंगे स्पून की सहायता से और फिर इसको खाने के लिए सर्व करेंगे बहुत ही अच्छी बनी है एकदम से सॉफ्ट तो आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसे बनी है तो मैं सभी की प्लेट्स के अंदर सभी को सर्व कर देती हूँ खाने के लिए दूंगी इससे पहले इसको हम थोड़ा थोड़ा गार्निशिंग भी करेंगे तो आप इस तरह से आइसक्रीम निकालिए इसको किसी भी ड्राई फ्रूट से टूटी फ्रूटी से थोड़ा सा गार्निशिंग कीजिए फिर खाने के लिए सर्व कीजिए बहुत ही फैंटास्टिक मैं आपको चेक करके भी बताती हूँ कि कैसा इसका टेस्ट है वाह बहुत ही सॉफ्ट और एकदम से मज़ेदार आइसक्रीम ये देखिए कितनी बढ़िया जमकर के रेडी हुई है और ये जल्दी से मेल्ट भी नहीं होती है बहुत ही अच्छे से तैयार होती है तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू इसी तरह से हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा